अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ये ट्री देख रहे हैं, नीम का ट्री है। नीम के ट्री के ऊपर आजकल पतझड़ हो रहा है, हमें इसके पत्तों को ज़ाया नहीं करना चाहिए और इसको आप कलेक्ट कर लें। नीम के पत्ते इसलिए झड़ रहे हैं कि अब इसकी जगह नए पत्ते आएंगे और मौसम बहार में ये फिर अपनी नई नई रूट नई नई स्प्राउट्स निकालता है। जब दरख्तों के ऊपर नई स्प्राउटिंग होती है, नई कोंपलें आती हैं, तो नीचे ज़मीन के नीचे भी दरख्त अपनी रूटिंग शुरू कर देते हैं और नई नई रूट्स आना शुरू हो जाती हैं। अपने बच्चों से मैंने मस्जिद की झाड़ू लगवा कर सारे पत्ते जमा करवा लिए हैं और मैं इनको घर में ले आई हूँ। ये पत्ते सूखे हुए पत्ते हैं, लेकिन सूखे हुए पत्तों की भी अफादियत किसी भी तरह कम नहीं है सब्ज पत्तों से। इसको गार्डनिंग में किस तरह से यूज़ किया जाता है इसको मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन इसकी शिफायाबी कुव्वतों के बारे में मैं थोड़ा सा पहले बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कितना पावरफुल ये रेमेडी है या ड्रग है। ये बैक्टीरियोसाइड है, यानी बैक्टीरिया को मारता है। फंगीसाइड है, ये फंगस को ख़त्म करता है, यानी फफूंदी को ख़त्म करता है। इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक है, यानी वो जरासीम जो पस डालते हैं उनको भी मारता है। वर्मी फ्यूज, पेट में से कीड़े निकालने वाला। इसका टिंक्चर बिटर टेस्ट होता है। अगर इसको पानी में घोलकर किसी के ऊपर किसी पौधे के ऊपर अगर स्प्रे किया जाए तो इंसेक्ट्स उसको खाने से बाज रहते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बुखार को भी ख़त्म करता है, लेकिन ख़ुद से कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए कोई भी रेमेडी। सेल्फ़ मेडिकेशन मना है। नीम के पत्तों का इस्तेमाल मैं अपने पौधों पर इस तरह करती हूँ एज ए इंसेक्टिसाइड। गमलों के अंदर बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ जाते हैं या फिर बग्स हो जाते हैं, तो पौधा बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। इस गमले में मैंने 2-3 इंच तय पत्तों की डाली है, उसके ऊपर खाद और मिट्टी डाली है, उसके बाद बीज बो दिए हैं। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि चींटियाँ इसके अंदर नहीं आएंगी। मैं इसको खाद के तौर से इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि इसकी खाद बहुत देर में बनती है, क्योंकि एंटी फंगल होता है ये और अपने अंदर सड़ाव गलाव बहुत देर में पैदा करता है। कई महीने इसकी खाद बनाने में लग जाते हैं, तो इसलिए एज ए खाद मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती। इन पत्तों को मैं एज ए एंटी फंगल यूज़ करती हूँ। इन पत्तों को चूरा बना के जब मिट्टी तैयार करती हूँ तो उसमें मिला देती हूँ, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों में फंगस नहीं लगता। ये दालचीनी और हल्दी से भी ज़्यादा ताकतवर फंगीसाइड है। जून जुलाई के महीने में जब बेइंतहा शदीद बारिशें हुई थी तो और हर चीज़ में फंगस लग रहा था, किचन की हर चीज़ में फंगस आ रहा था। हालांकि एयरटाइट बंद करके रखा गया था हल्दी को, धनियों को, मिर्चों को, जीरे को, सौंफ को, हर चीज़ में फंगस आ रहा था। और क्योंकि 3 महीने तक सूरज नहीं निकला था और मुसलसल बारिशें हो रही थी और हर चीज़ ख़राब हो रही थी, सड़कें। लेकिन ये नीम के पत्तों का मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था, उसके अंदर फंगस नहीं लगा और ये फंगस महफूज रहा, जिसकी वजह से मैंने इसको सबसे ज़्यादा ताकतवर फंगीसाइड माना है। इसका अकुरेंस या नेटिव है वो सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, आसपास के सारे ममालिक हैं। इसकी अफादियत की वजह से यूरोप और अमेरिका में ये बहुत बड़ी तादाद में उगाया जाने लगा है। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वअला अल मोमिनीना वल मोमिनात वअला अल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।